अब लड़ाई 2024 की चल रही है और हर नेता उसी को टारगेट करके चल रहा है और अपनी बात रख रहा है। कहने का मतलब यह है कि नवंबर 2022 चल रहा है और फिर दिसंबर और उसके बाद नया साल। उससे पहले ही क्षेत्रीय शत्रु ने बाहें फैलाकर ताव देना शुरू कर दिया है और मोदी को चुनौती पेश करने के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। जैसे KCR, बीजू पटनायक, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे नेता अभी से गठबंधन और तैयारी में जुट गए। उसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुंकार भरी और कहा है कि 2024 में मोदी का सफाया हो जाएगा। बुधवार को आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए CAA और NRC का मुद्दा उठा रही है और हिंदू और मुसलमान कर रही है। TMC प्रमुख बनर्जी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में CAA को कभी भी लागू नहीं होने देंगी। बनर्जी ने BJP पर अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया और कहा कि वो कभी भी राज्य का विभाजन नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है BJP CAA और NRC को लागू करने की बात करती है। ऐसे में अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल का समय बचे होने के बाद इसने फिर से CAA को भड़काना शुरू कर दिया। बनर्जी ने कृष्णा नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्या BJP तय करेगी कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। मतुआ भी इस देश के नागरिक है। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली मतुआ समुदाय में से कई लोग उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्षेत्रीय दल अपनी तैयारी कर रहे हैं और कैसे मोदी को जवाब देंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 2024 आने में अभी समय है और क्षेत्र अभी से मोदी को चुनौती दे रहे हैं। आप तो जानते हैं कि भारत में जीत और हार का माहौल एक दिन में बनता और बिगड़ता है, इसीलिए ये कहना कि मोदी हार जाएंगे और विपक्ष जीत जाएंगे ठीक नहीं होगा। पहले तो विपक्ष अपने आप को एकता में लाए, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस को अपने साथ लाने को तैयार नहीं और जानकारों का मानना है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में यहीं पर मोदी जीत जाते हैं और विपक्ष हार जाता है। लेकिन कहने को क्या है, लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मोदी को हराना होगा तो एक मत होकर विपक्ष को लड़ना होगा और यह अभी दूर की कौड़ी लग रही है।